الوداع. رسام الله كذي. أوكي. हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। आज ये सीन कुछ ऐसा है कि मैं जाने लगा हूँ अभी सरगोधा सेशन कोर्ट में, वहाँ मुझे छोटा सा एक काम है। तो अभी मैं खड़ा हूँ फरुखाबाद अड्डे के पास। अभी यहाँ से लोकल टाइम जाएगा फरुखाबाद से सरगोधा, तो मैं अभी उसका वेट कर रहा हूँ। तो अभी उसके आने में 5 मिनट हैं। यहाँ पे ये सीन था कि उन्होंने बैग अंदर जाने नहीं दिया, जिस वजह से मैंने बैग स्टैंड पे जमा करवाया और मैंने ली उसकी रसीद। और रसीद लेते ही मैं अपनी फाइल उठाकर अदालत के अंदर चला गया। हाय गाइस, अभी मैं वो जो काम करने के लिए कचहरी आया था तो मैं फ्री हो गया हूँ। तो थोड़ा सा काम कल का भी रहता है, आज ही हड़तालें चल रही हैं, जिस वजह से वो आदमी बैठा नहीं हुआ था जिसके पास आज काम था। थोड़ा सा वो भी मैं सोचा अब आए ही हुए हैं तो इतनी दूर तो वो भी कर ही लें, तो वो भी करके फिर ही सुबह वापस जाएंगे। टाइम भी 4:30 हो गए हैं, तो अभी कल का भी टाइम काम थोड़ा सा रहता है जब। तो मैं सोच रहा हूँ कि रात इधर ही अभी खाला की तरफ स्टे कर लेते हैं, तो सुबह फिर वो काम करके तो फिर वापस जाएँ वो अपने शहर। तो इसलिए अभी मैं कचहरी के अंदर लाओ नहीं हूँ मोबाइल वीडियो बनाना। नमाज असर का टाइम हो चुका था तो मैं पहुँचा मस्जिद में, तो मैंने की नमाज असर अदा। ये है जी जाल चक्कियों की मशहूर दाल, ये जो बहुत ही फेमस है, मैंने बहुत उसके चर्चे सुने हुए थे, लेकिन मुझे तो ये ज़रा पसंद नहीं आई। बस पेट भरने वाली बात और कुछ नहीं। The next day. Hi guys, अभी मैं जा रहा हूँ चलिए, वेलकम बैक हो गया। रात को तो मैं ठहर गया अपनी खाला की तरफ, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना सका। अभी टाइम हो गया जी 10:30 का टाइम हो गया, तो मैं बस चलिए पहुंचने ही वाला हूँ। देखते हैं अभी क्या सीन होता है। इंशाल्लाह आज काम फ्री खत्म करके तो आज तो वापसी हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई हाल नहीं यहाँ की, पता नहीं मैं गलत जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ, अभी पता चलेगा कि मैं गलत हूँ या सही। देखते हैं अभी। चेहरियाँ जी आ चुकी हैं, वो ये रही सामने, तो ये शायद इनका ये जो है ना ये रेलवे स्टेशन है सरगोधा का। इस साइड पे रेलवे स्टेशन है शायद वो सामने, तो ये रही कचहरी हैं। अभी शायद मुझे यहाँ से इंटर ना होने दें, ये रहा ब्लॉग। तो अभी देखते हैं, कल तो वो मेरे साथ था मेरा दोस्त, तो यहाँ से जाने दिया था, आज ही शायद जाने देंगे। चलो जी देखते हैं, यहाँ पर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो चेक करते हैं क्या सीन है। तो उस साइड से तो जाने दिया उन लोगों ने, वो कह रहे हैं कि वो फ्रंट गेट पर आओ वहाँ से इंटर करो,
तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ से एंट्री होंगे तो फिर वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करेंगे तो आज वापसी इंशाल्लाह। क्या मैं कहूँ, कोई अल्फाज नहीं बोलने के लिए। अकेले रहने में ही अपना मज़ा ज़िंदगी का, कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो जी देखते हैं अभी अपना सीन, अभी हमें फोटो करते हैं, बाय, मिलते हैं फिर देर के बाद। अभी वो बोल लगी हुई थी तो ये मैं गुजर ही रहा था पास से तो मेरी नज़र पड़ी इन शॉप पे जो कि एक चपली कबाब बनाते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो दिखने में तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, तो अभी खा के चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगा तो एक और मंगवा लेंगे, अगर ना लगा तो फिर ये तो खाना ही पड़ेगा। देखो अभी क्या होता, वो भाई शायद ना लेने गया, भूल गया कि मैं तो बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ, और है भी नहीं दुकान पर अभी कोई टाइम, वो अभी हो गया 4:30 का हो रहा है तो अभी इसका कोई फ़ोन होगा अभी, मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा नहीं शॉप पर ना लेने। नान जो है जी मैं खुद ही लेके जा रहा हूँ, बच्चे बच्चे हैं जो उनका बॉस होता है वो इस तो चला गया, तो उन्होंने पैक किया एक्सक्यू देने के लिए, तो मैंने कहा भाई मुझे तो दें गर्मा गर्म नान। क्या बात है माशाल्लाह, ये इसे कौन कहता है जी नान, ये कौन सा वाला नान है, ये देखो अभी ट्राई करते हैं, नान तो आपने देख ली कैसे इनके टेढ़े मेढ़े। चलो लेट्स सी दिस, क्या टेस्ट है इनका, बहुत लगी हुई है तो कोई पता नहीं टेस्ट कैसा, टेस्ट तो अच्छा ही है, मसालेदार है जिसे मैं चाहता हूँ, स्पाइसी गोल दाल की दाल से ये कहीं बेहतर है। मैंने सोचा वो बहुत फेमस है जी, इससे पूछो वो दाल खाई ये वो, इससे तो यही बेहतर है। ये हैं जी उमेर भट्टी साहब जो कि बहुत ही खुश मिजाज और खुश अखलाक हैं, इनकी बदौलत मेरा काम सर अंजाम पर पहुंचा और काम भी वही के जो बिल्कुल नामुमकिन था। ये हमारा लास्ट वाला दिन है तो मैं अभी वापस जाने लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको टेस्ट किया जाए, बेकरी में पहुंचे हैं वो पेटिस करने के लिए। अलविदा, आज 3 दिन हो गए जो उस काम के सिलसिले में मैं सरगुद आया था, तो ये भाई हूँ मेरे भाई जिन्होंने मेरे साथ बहुत ही काम किया और मेरे काम करने में मेरी हेल्प की, इसने अपने भाई समझे काम किया, वो काम जो नामुमकिन था। ₹30 आपने कहे, अभी
गैस स्टेशन खुलवाए पैसे, तो फिर बस जाने लगे घर वापस जाऊँगा। अभी 3 दिन हो गए हैं मुझे इधर सरगोधा में, तो आज इंशाल्लाह वापस। ये रहे मेरे भाई की गाड़ी अभी जाने लगी है, तो वो रही सरगोधा बाहर। अभी जी हम जाएंगे इधर, मेरी तो आइडिया था कि सोचा था कि मैं उधर जाऊँ रेलवे स्टेशन पे, तो सुनने में आया कि जो रेलवे है तो रेलगाड़ी वो शाम रात 12 बजे निकलती है यहाँ पे, यहाँ से तब तक तो मैं घर सोया होऊंगा। अभी अब मैं जाऊँगा वहाँ पे क्या होता है बस सर्विस स्टेशन क्या कहते हैं गाड़ी अड्डा, तो वहाँ से फिर गाड़ी पे लाहौर वाली गाड़ी पे बैठेंगे, तो वो हमें उतार देगी शेखपुरा रास्ते में, तो फिर हम फाइनली पहुँच जाएँगे अल्लाह के फजल करम के साथ। तो जी मिलते हैं अभी। आई थिंक ये बस जाने वाली लाहौर को, तो इस पर बैठ जाएं या वो लोकल जो कब्बा जाएगा उस पर बैठ जाएं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये बस वाले जी इस भाई साहब सीधा लाहौर जाएंगे, शेखपुरा स्टॉप नहीं होगा, तो देखते हैं अभी कि वो जो जिस टाइम पे मैं आया था लोकल टाइम पे, मैं कहता हूँ कि उस पर बैठ जाएं, तो उस पर बोलते हैं इस पर कैसे उस बस पे जाएंगे जी। तो बस पे घर जैसे ही लोकल आया था वैसे ही जाऊंगा। अभी जी बैठ गया सेट हो के बस के स्टॉप पे, तो ये निकलेगी 3 बजे, तो अभी हो गए हैं जी 2:35, यानी कि 25 मिनट अभी आएंगे, तो अभी तक बैठते हैं यहाँ पे, तो बाइक के देखते हैं क्या होता है। जिंदगी में जितना इसमें जिलाओ मुझे चाहिए चाहिए, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो